एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस समय इवनिंग का टाइम हो रहा है और आज मैंने चाय पी ली है और आज मैं बनाने जा रही हूँ लड्डू। तो बहुत टेस्टी और यम्मी लड्डू ये बनकर तैयार होते हैं, तो आज मैं आप सबके साथ लड्डू की रेसिपी शेयर करूँगी और ये बहुत टेस्टी लड्डू हैं और आप अपनी फैमिली और बच्चों के लिए ज़रूर बनाइए ये लड्डू। और ये बहुत हेल्दी हैं तो मैं इसे बनाने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ लड्डुओं की रेसिपी शेयर कर दी जाए। तो चलिए फटाफट बहुत टेस्टी और यम्मी लड्डू बनाते हैं और आप सबको भी मैं दिखाती हूँ और आप भी फ्रेंड ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए फटाफट बनाते हैं लड्डू। लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग को बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं मिल पा रही हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें, स्वीट चीज़ें, टेस्टी टेस्टी नहीं मिल पा रही हैं, तो क्यों ना हम स्वीट और टेस्टी चीज़ें घर पर ही बनाकर ट्राई करें। तो ये लड्डू बहुत आसान है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए उस लॉकडाउन में, ये लड्डू बनाइए, खाइए और बताइएगा मुझे कि ये लड्डू आपको कैसे लगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने मावा बना लिया है और ये मैंने 2 लीटर दूध से बनाया है। तो आप जब भी मावा बनाएं तो देखिए बिल्कुल ब्राउन और बिल्कुल भुना हुआ खूब अच्छे से बनाइए और बिल्कुल गीला गीला नहीं रहना चाहिए और खूब अच्छे से मावे को भूनना है, बिल्कुल ब्राउन कर देना है, एकदम ड्राई कर देना है, ज़्यादा गीला मावा नहीं रखना है, इससे लड्डू हमारे काफ़ी दिन चलेंगे। और यहाँ पर मैं देसी घी से लड्डू बना रही हूँ। फ्रेंड्स, आप भी देसी घी से ही बनाइए और अगर आप देसी घी से नहीं बनाना चाहते तो आप रिफाइंड से भी बना सकते हैं, पर देसी घी से बनाना ये बहुत हेल्दी ऑप्शंस है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं ये लड्डू बनाने के लिए 3 चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर मैं सूजी ले रही हूँ, रवा बोलते हैं, और आप इसे 1 कटोरी लीजिए तो ये जितनी भी चीज़ें हैं सब 1 कटोरी जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सूजी ले ली है। अब इस सूजी को हम इस देसी घी में भूनेंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, ये आप जब सूजी भूनेंगे तो ये सूजी भुनने के बाद काफ़ी मोटी हो जाएगी और खूब अच्छे से पक जाएगी। तो बस इसे मैं भून लूँगी और देसी घी के ये लड्डू बहुत टेस्टी होते हैं और आप इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स ये लड्डू आपको कैसे लगे। और ये बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, कोई मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ मावा बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने सूखे छुआरे लिए थे और थोड़ा सा कोकोनट लिया था, तो इन दोनों को मैंने मिक्सी में एकदम बारीक फाइन पेस्ट बना लिया है, क्योंकि छुआरे और जो कोकोनट होता है वो थोड़ा सा खाने में दिक्कत होती है बच्चों को, तो बच्चे नहीं पसंद करते हैं बड़ा बड़ा कोकोनट और छुआरे मतलब खजूर। तो मैंने इसे खूब अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर दिया है और खजूर की गुठलियाँ मैंने निकाल दी हैं। यहाँ पर छुआरे बोलते हैं और खजूर भी बोल सकते हैं आप इसे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो सूजी हमारी भुन चुकी है और ये देखिए आप कितनी मोटी फूल कर सूजी हो गई है। और बस इसी तरह से आपको सूजी को एकदम भूनना है अच्छे से। और ये देखिए, मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और इसे थोड़ी देर चलाती रहूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपका मावा पहले से ही रेडी है तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है, ये लड्डू बनाने में बहुत आसानी से जल्दी से बन जाते हैं। सिर्फ मावा बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है और आप देख सकते हैं मावा मेरा कितना प्यारा ब्राउन बनकर तैयार हुआ है। और आप मार्केट से भी मावा ले सकते हैं, पर मार्केट का मावा जब भी लीजिए उसको भी भून लीजिए अच्छे से। ये देखिए, तो जिस कढ़ाई में हमने सूजी भूनी थी उसी कढ़ाई में बाकी सारी चीज़ों को भूनना है। कढ़ाई को बार बार आप धुलने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, मैंने देसी घी में थोड़ा सा बेसन डाला 1 कटोरी भर के, तो जितनी भी चीज़ें जाएंगी 1 कटोरी का ही मैंने यहाँ पर मेजरमेंट लिया है, तो आप भी 1 कटोरी से नाप के बनाइए। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने बेसन डाल दिया है, बेसन को भून रही हूँ और अभी देसी घी पड़ेगा तो इसमें थोड़ा सा देसी घी मैं और डालूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उसी कटोरी से मैंने आटा ले लिया है और ये देखिए बेसन भुन रहा है,
तो आप देख सकते हैं बेसन कितना सुंदर कलर ले रहा है धीरे धीरे, और सूंधी सूंधी सी खुशबू आ रही है। तो थोड़ा सा घी मैं और डाल देती हूँ, क्योंकि बेसन मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, भूंजने में दिक्कत हो रही है। तो आप भी इसी तरह थोड़ा थोड़ा घी ऐड कीजिए, एकदम से पूरा घी मत डालिएगा, नहीं घी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये घी के ज़ोर पे ही लड्डू बनकर तैयार होंगे, जिससे कि स्वाद तो इनका बढ़िया होगा ही। और अगर आप ये लड्डू एक महीने के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ये लड्डू ख़राब नहीं होते हैं, बस आपको इनमें गीला हाथ नहीं लगाना है और गीले कंटेनर में इन लड्डुओं को रखना नहीं है, बस इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो बेसन जो मैं भूंज रही हूँ इसको लगातार चलाते रहना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अगर आप ये बेसन छोड़ देंगे, चलाएंगे नहीं, तो ये नीचे से जल जाएगा। तो आपको इसको लगातार चलाते रहना है, आंच को धीमी रखना है। और ये देखिए बेसन भून रहा है, तो बस इसी तरह से इन लड्डुओं को तैयार करना है। और जैसे ही बेसन भून जाएगा, ये भूनने ही वाला है, जैसे ही ये बेसन भून जाएगा, अब मैं इसी कढ़ाई में आटा भूनूंगी अपना। ये देखिए फ्रेंड्स, तो बेसन भून के बिल्कुल रेडी हो गया है, मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। फ्रेंड्स, ये लड्डू जब आप बनाएं तो आप मावा जो भूने उसको एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लें, जिससे कि हम जितनी चीज़ें भूनेंगे सब इसी बर्तन में डालते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सूजी, मावा और बेसन तीनों चीज़ इसमें ऐड कर दी है, और अब हम भूनेंगे आटा और उसको भी इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स अब हम आटा भूनेंगे, और ये देखिए जिस कढ़ाई में हमने बेसन भूना था उसी कढ़ाई में हमने थोड़ा सा देसी घी डाला, और इसमें हम ये आटा भूनेंगे, खूब ब्राउन करना है। और थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स भी कट कर लिए हैं, ड्राई फ्रूट फ्रेंड ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डालिए, अगर नहीं है तो डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप बिना ड्राई फ्रूट्स के भी इन लड्डुओं को बना सकते हैं। तो मेरे पास हैं तो मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दूंगी, और आप अपने मन के हिसाब से जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो आप वो सब इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने चीनी ली है, और चीनी ये जो कटोरी से मैंने बेसन आटा सब लिया था उसी कटोरी से मैं दो कटोरी चीनी लूँगी, और अच्छे से इसे मिक्सी में ग्राइंड करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर चीनी पीस ली है मैंने, दो कटोरी करीब चीनी ली है, जिस कटोरी से मैंने बेसन लिया था, आटा लिया था, उसी कटोरी से चीनी लेनी है, दो कटोरी चीनी लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने आटे को भून लिया है, और ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, इसमें मुझे घी कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा घी और डालूँगी। फ्रेंड्स, इन लड्डुओं को बनाने में घी की कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा, खूब घी डालिएगा, बहुत टेस्टी ये लड्डू बनकर तैयार होंगे। और आप अगर एक रोज़ एक लड्डू खाओगे तो आपका वेट बिल्कुल बढ़ेगा नहीं, इस चीज़ से आप बिल्कुल मत डरिएगा कि ये देसी घी के लड्डू खाकर वेट बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत हेल्दी होते हैं देसी घी के लड्डू। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये भुनकर बिल्कुल आटा रेडी हो गया है, बिल्कुल भुनकर तैयार हो गया है, और मैंने बिल्कुल डार्क ब्राउन इसको भूना है, बस इसी तरह आपको इसे भूनना है, बिल्कुल डार्क ब्राउन करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, और ये यहाँ पर मैंने काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं, और इनको बिल्कुल महीन कट कर लिया है, और साथ में यहाँ पर मैंने थोड़े से खरबूजे के बीजे ले लिए हैं जो मेरे घर में रखे हुए थे, तो मैंने वो भी इसमें ऐड कर लिया है, तो ये भी आज काम आ जाएंगे इन लड्डुओं में और काफ़ी टेस्टी लगेंगे। तो बस इन आटे के साथ मैं इसे मिलाकर खूब अच्छे से और भून दूंगी, तो ये भी भून जाएंगे, मैं अलग से देसी घी में इसे नहीं भूनूंगी, इसी आटे के साथ मैं इन्हें भून लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये हमारा ड्राई फ्रूट्स भी भून गया है आटे के साथ, तो आप देख सकते हैं देसी घी मैंने इतना डाला है कि ये देखिए बिल्कुल हलवा टाइप में आटा हमारा बन रहा है, ये देखिए बिल्कुल लिपट गया है, और बस अब इसे भी हम ऐड करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ें भुनकर बिल्कुल तैयार हो गई हैं, और ये मैं दूसरी कटोरी चीनी डाल ली हूँ, एक कटोरी मैंने पहले डाल दी थी, और ये मैं फिर से एक कटोरी मैंने
शुगर को पीसा, चीनी को पीसा और इसमें ऐड कर दिया। और यहाँ पर मैंने कोकोनट और जो मैंने छुआरे लिए थे उनको मैंने एकदम पीस लिया था, वो भी मैंने इसमें इसको मिक्स कर लिया है। तो बस इन लड्डुओं को सारी चीज़ें भूनते जाना है और एक के बाद एक सारी चीज़ें एक ही बोल में, मतलब एक ही थाली में डालते जाना है, सबको इकट्ठा करते जाना है। और बाद में इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। इन सारी चीज़ों को खूब अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ें भूनकर कितनी अच्छी तैयार हुई हैं। तो बस अब हम इसे करेंगे मिक्स और हमने इसमें सारी चीज़ें डाल ली हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास छोटी इलायची नहीं थी इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और ये मैंने थोड़ी सी किशमिश ली, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। छोटी इलायची अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हो, बहुत अच्छा स्वाद आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मैं सारे लड्डुओं को रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए कितनी आराम से लड्डू बन जा रहे हैं और ये सब घी का कमाल है। तो बस इसी तरह सारे लड्डुओं को मैं बना लूँगी और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं। अगर इन लड्डुओं की रेसिपी आपको अच्छी लगे फ्रेंड्स, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और लड्डू बनाइएगा। और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो यहाँ पर मैंने अपने भगवान जी को सबसे पहले लड्डुओं का भोग लगा दिया है। फ्रेंड्स, ये लड्डू हम लोग ने ट्राई किए, बहुत यम्मी बने थे, बच्चों को बहुत पसंद आए। तो आप भी ट्राई कीजिए और मुंह मीठा कीजिए ये लड्डुओं के साथ। और मज़ा आया लड्डू बनाकर, और आप भी ज़रूर बनाकर लड्डू खाइए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ये दूसरे दिन का वीडियो है, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ और साथ में दोपहर की लंच की तैयारी कर रही हूँ। और आज ये देखिए यहाँ पर मैंने सेवई और मूंगफली के दाना भूज के रख दिया है, इसका मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। नमकीन सेवैयाँ बनाऊँगी और साथ में बैंगन का भरता बनेगा, दाल बाटी बनेगी, लिट्टी चोखा बनेगा, तो आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं। और आज दोपहर लंच मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाकर इन लोग को दे दूं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर दाल बनकर रेडी हो चुकी है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आटा ले लिया है और अब मैं लिट्टी बनाने की तैयारी करूँगी। मैं इसमें डालूँगी सौंफ, तो सौंफ को खूब अच्छे से कूट लेना है। और ये मेरे पास खाने वाली सौंफ है। फ्रेंड्स, मैं लिट्टी चोखे का वीडियो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर कर रखा है। मैंने अपनी मम्मी के घर पर लिट्टी चोखा, दाल बाटी, जो भी बोलिए आप, मैंने बनाया था, उसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो आप मेरे पुराने वीडियो जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको लिट्टी चोखे की रेसिपी मिल जाएगी जो मैंने मम्मी के घर पर बनाया था। और वो भी लिट्टी बहुत टेस्टी बनी थी, पर वो कंडे की आग में सेकी थी हमने। और जो कंडे की आग में लिट्टियाँ सेकी जाती हैं उनका टेस्ट दुगना हो जाता है, क्योंकि वो कंडे के जो उपले होते हैं ना उनमें लिट्टियाँ सिकी होती हैं, तो बहुत सौंधी लिट्टियाँ लगती हैं। पर इसमें भी स्वाद में कोई कमी नहीं आएगी और इसको हम गैस पे बनाएंगे। तो आप इसे बनाइए आराम से और खाइए और बताइए।
यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मैंने सत्तू ले लिया है, और आप चाहें तो इसे चने से भी बना सकते हैं। भुने हुए चने अगर आपके घर में हो तो आप मिक्सी में पीस लीजिए और सत्तू तैयार हो जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने सत्तू ले लिया है और हरी मिर्च, धनिया, प्याज इसको बारीक कट कर लिया है। अब इसी में सारी चीज़ों को मैं ऐड कर दूँगी। फ्रेंड्स, इस सत्तू का सबसे मेन पार्ट ये है कि आपके घर में अगर मैंगो अचार मसाला या मिर्ची का मसाला, मिर्ची के अचार का मसाला आप इसमें डालिए, स्वाद बढ़ जाएगा। यहाँ पर मैंने अचार का मसाला मिक्स कर दिया है और नमक ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स करना है, और अगर आपको इसमें पानी कम लगे तो बाद में हल्का हल्का सा पानी डालना है, इसे गीला नहीं होने देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो मैं हल्का हल्का पानी डालकर इसको बिल्कुल भुरभुरा तैयार कर लूँगी, और गीला बिल्कुल होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भुरभुरा, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, और ये हल्का सा हम जब मुट्ठी बांधें तो ये बंधने लगे। बस इतना ही बनाकर रेडी करना है, और इसके बाद इसे हम लिट्टियों के अंदर भरेंगे। तो ये फीलिंग हो गई हमारी। तो ये देखिए, मैंने बिल्कुल सॉफ्ट आटा बनाकर तैयार कर लिया है। तो आटे को ज़्यादा ना गीला बनाना है ना बहुत सख्त गूंदना है, बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार करना है। और ये देखिए, बिल्कुल भुरभुरा सत्तू हमारा बनकर रेडी हो गया है। और जो इसमें हमने मसाला डाला था अचार का, तीखा चटपटा मसाला, तो उससे बहुत तीखा और चटपटा बनकर ये सत्तू रेडी होगा। सत्तू गर्मी में ज़रूर खाइए फ्रेंड्स, ये भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और इससे हमें प्यास बहुत लगती है और हम ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पी सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये देखिए, लिट्टी इस तरह से बनानी है। यहाँ पर मैंने सारी लिट्टियाँ बनाकर रेडी कर ली है। ये देखिए, कुछ इस तरह से लिट्टी बनकर रेडी हुई है। तो बस सारी फीलिंग को मैंने भर लिया है, और यहाँ पर मैंने गर्म पानी चढ़ा दिया है, और इसे खूब अच्छे से बंद करना है। बिल्कुल लिट्टी कहीं से खुली नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी लिट्टी खुली होगी तो इसमें से सत्तू बाहर आ जाएगा, पूरे पानी में फैल जाएगा। तो बहुत ध्यान से लिट्टियों को आपको बंद करना है सत्तू भर के। और यहाँ पर मैंने पानी चढ़ा दिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक और रिफाइंड ऑयल डाल लिया है, और जैसे ही ये पानी बिल्कुल कस के बॉयल होने लगे, आप देख सकते हैं पानी कितनी तेज़ी से उबल रहा है, और ये उबलते हुए पानी में इन लिट्टियों को डाल देना है। और इसके बाद हम इन लिट्टियों को फ्राई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, जैसे ही हमारी लिट्टी पक जाएगी, ये 5-10 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है। और जैसे ही लिट्टी पक जाएंगी, ये फूल के फट जाएंगी, क्योंकि हमने इसमें डाला है मोयन। और आटे में आप फ्रेंड्स सौंफ ज़रूर डालिए, सौंफ से बहुत टेस्टी फ्लेवर आता है। और सौंफ आप ढेर सारी भी डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सौंफ बहुत फ़ायदेमंद होती है, आपके पेट को ठंडा रखती है। तो ये जितने भी मसाले हमारे घर में हैं, ये एक तरह से आयुर्वेदिक काम करते हैं हमारे बॉडी में। तो सौंफ ढेर सारी डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखिए, लिट्टी पक चुकी है, पानी में ऊपर आ चुकी है। यहाँ पे फ्रेंड, जैसे ही लिट्टी पक जाएगी तो पानी में ऊपर तैरने लगेगी। बस आप समझ जाइए कि लिट्टियाँ आपकी पक चुकी हैं। 5-10 मिनट लगता है लिट्टियों को पानी में पकने में। पानी में पकाने का एक रीज़न ये है कि खूब अच्छे से लिट्टियाँ पक जाएंगी अंदर तक, और ये आटा कच्चा नहीं रहेगा। और इसके बाद पानी में पकाने के बाद हम इन लिट्टियों को रिफाइंड ऑयल में फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल धीमी आंच में फ्राई करना है। ये देखिए, एकदम ब्राउन लाल सिक्के लिट्टियाँ तैयार हो गई हैं। और भरता मैंने आपके साथ नहीं शेयर किया, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा भरता बनाया है। ये देखिए, तो भरता रेडी कर लिया है मैंने, और भरता तो बिल्कुल नॉर्मल, आप जैसा भरता खाते हैं वैसा भरता बनाइए। यहाँ पर तो मैंने कढ़ाई में छौंक कर भरता बनाया है, सारी चीज़ों को कढ़ाई में डालकर छौंक के भरता बनाया है। और दाल बिल्कुल सिंपल बनाई है मैंने, क्योंकि सारी चीज़ें
काफ़ी चटपटी हैं। तो दाल बिल्कुल सादी है, हींग जीरे का तड़का लगाया है मैंने इसमें बस। तो लिट्टियाँ बनकर हो गई हैं रेडी। ये देखिए फ्रेंड्स, यम्मी टेस्टी दोपहर का लंच बनकर हो गया है रेडी और बिल्कुल सिंपल, फटाफट बना लीजिए आप भी। ये लंच बनाकर थोड़ा सा आपका मूड चेंज हो जाएगा, वही डेली के रूटीन दाल चावल सब्जी रोटी से कुछ अलग हट के ये लंच बनकर रेडी हुआ है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको ये। और अब हम दोपहर का लंच करेंगे फ्रेंड्स, आप भी इसे बनाइए और खाइए। फ्रेंड्स, लिट्टी चोखा बन चुका है और अब हम सब खाने जाएंगे दोपहर का लंच। तो चलिए फटाफट लंच कर लेते हैं और उसके बाद आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। और वो देखिए किचन में मैंने सारे बोल्स लगा दिए हैं और कुछ लिट्टियाँ रह गई हैं, उनको मैं फ्राई कर रही हूँ। तो थोड़ी सी रह गई हैं 3-4, उसको भी फ्राई कर लेते हैं। और वो देखिए मेरा मनी प्लांट्स जो बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है और अच्छे से लग गया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो चलिए जल्दी से दोपहर का लंच कर लेते हैं और उसके बाद आपसे बातें करते हैं। फ्रेंड्स, दोपहर का लंच करने के बाद अब मैं पूरा किचन अपना क्लीन करूंगी। फ्रेंड्स, तो हमने दोपहर का लंच कर लिया है और दोपहर का लंच बहुत यम्मी था, मज़ा आ गया। और यहाँ पर मैं अपने गैस स्टोव को साफ़ करूंगी, गैस को बिल्कुल अच्छे से क्लीन करूंगी। दोपहर का लंच हो जाने के बाद मैं अपने गैस स्टोव को बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ और किचन को खूब अच्छे से क्लीन करूंगी। और दोपहर के लंच के जो बर्तन हैं उनको भी साफ़ करके रख दूँगी ताकि शाम की चाय बनाने, फ्रेंड जब मैं शाम को आती हूँ किचन में तो मुझे बिल्कुल साफ़ और क्लीन किचन मिलता है, जिससे कि चाय बनाने का मज़ा दुगना हो जाता है और साफ़ सुथरा किचन देखकर मन बिल्कुल खुश हो जाता है। फ्रेंड्स, इन छोटी छोटी क्लीनिंग का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल भी आपको काम ज़्यादा नहीं लगेगा और टाइम टू टाइम अपना आप काम कर लोगे तो काम आपको बिल्कुल नहीं लगेगा और बहुत आसानी हो जाएगी आपको अपना टाइम काम करने में, टाइम से काम करने में आसानी हो जाएगी। तो इसी तरह मैं टाइम टू टाइम अपना सारा रूटीन रखती हूँ, जिससे कि मुझे बहुत खुशी भी मिलती है और मुझे अच्छा भी लगता है। तो बस किचन क्लीन कर दूंगी तो शाम की चाय जब आकर बनाऊंगी तो किचन बिल्कुल साफ मिलेगा मुझे। फ्रेंड्स, मैं जिस क्लीनर से किचन को साफ़ कर रही हूँ ये मैंने घर पर ही बनाया है और ये बहुत आसानी से बन जाता है, आप भी इसे बना सकते हैं।
तो ये मैं बनाकर हमेशा रखती हूँ। और ये जो किचन में जितना तेल है, चिपचिपापन है, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और कॉलिन, ज़्यादा कॉलिन तो बहुत खर्चा होता है, तो इसलिए मैं कॉलिन नहीं ख़रीदती हूँ और इसे बना लेती हूँ। फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये लिक्विड जो बनाया है, इसमें मैंने विम लिक्विड जो डिश वॉशर होता है जिससे हम बर्तन साफ करते हैं, वो मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है। और थोड़ा सा मैंने इसमें कपूर डाल दिया है जिससे कि बहुत अच्छी खुशबू आपके किचन में आती है और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और इससे मैं पूरा किचन खाना बनाने के बाद पूरा किचन साफ करती हूँ। ये बहुत अच्छा है, आप भी ज़रूर बना लीजिए इसे, और बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो बस मैंने इसे बना लिया, और जब ये ख़त्म हो जाता है तो मैं फिर थोड़ा सा बना लेती हूँ। और ये जो ड्रॉल्स है ना, इसकी भी सफाई बहुत अच्छे से ये करता है। और इसमें जो चिपचिपापन, जैसे खाना बनाते समय ऑयल आ जाता है, तो ये भी इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और कपूर की वजह से मक्खी मच्छर कुछ भी नहीं आते और बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इसे बनाइएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा आपको ये कैसा लगा। फ्रेंड्स, ये क्लीनर आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छा है ये क्लीनर। इस क्लीनर से किचन साफ़ करने के बाद किचन में जो कपूर की प्यारी मीठी मीठी धीमी धीमी खुशबू आती है, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत जो किचन में खाने बनाने की जो स्मेल होती है आपके किचन में आने लगती है, तो इस क्लीनर से वो सारी स्मेल चली जाती है और किचन में एक बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगती है कपूर की, जो हमने इसमें ऐड किया है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।